वेलकम टू आवर चैनल आज थोड़ी सी हम डिफरेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं uh, हम लोग शॉपिंग uh, करने गए थे और मुझे होम गुड्स से कुछ स्टफ़ चाहिए था लेकिन होम गुड्स पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी इसलिए हमने सोचा कि टारगेट से कुछ बाय कर लेते हैं मुझे किचन के लिए कुछ स्टफ़ लेना था तो चलें देखते हैं साथ डिफरेंट स्टोर्स पे काफ़ी Uh, uh, बड़ी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी और ड्यू टू कोरोना वायरस और सेल uh, भी हॉलीडे सेल लगी हुई है सब स्टोर्स uh, पे जैसे कि आप देख रहे होंगे और स्केचेस पे कुछ चाहिए था इसलिए थोड़ी देर के लिए स्केचेस पे रुके और मैं जो है वो टारगेट पे चली गई और मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मैंने क्या उधर से बाय किया है मैंने आउट साइड स्टोर्स पे थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन इन साइड काफ़ी रश था और रिकॉर्डिंग में ज़रा थोड़ा मसला हो रहा था क्योंकि जिस टाइम मैं कैमरा ऑन करती थी कोई ना कोई सामने आ जाता ट्रॉली से और फिर इस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की लेकिन जो कुछ मैंने बाय किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हॉलीडे सीज़न है और इन दिनों में काफ़ी अच्छी सेल लगती है हॉलीडे uh, सीज़न में शॉपिंग करना आप समझ लें कि एक इन्जॉयमेंट है और काफ़ी मज़ा आता है काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स होती हैं डिफरेंट स्टोर्स पे। और आप काफ़ी अच्छी प्राइस में जो है अच्छी ब्रांडेड चीज़ें भी बाय कर सकते हैं अब मैं तकरीबन ऑलमोस्ट टारगेट पे पहुंच चुकी हूँ और आ, मैं चीज़ें बाय करूँगी और फिर घर में जाके आपको दिखाऊँगी कि क्या लिया अब हम लोग मॉल से बाहर आ गए काफ़ी अच्छा वेदर था और फॉग आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी फॉक थी रश की वजह से पार्किंग थोड़ी हमें दूर मिली थी और वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी और अब तकरीबन हम लोग यहाँ से निकलेंगे इन घर जाके फिर मिलते हैं सबसे पहले मैंने ये दो मग लिए हैं चाय के लिए और बहुत ही मुझे अच्छे लगे एक के ऊपर मामा बियर लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर पापा बियर मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्यूट इसलिए मैंने ये लिए हैं दो और ये मिक्सिंग बाउल सेट है इसमें फ़ोर मिक्सिंग बाउल हैं डिफरेंट साइज़ के जो मेरे पास पहले थे वो स्टील के हैं और उनके ऊपर भी लेड है और ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए डिफरेंट साइज़ के हैं आप आ, कोई भी लेफ़्ट ओवर जो स्टफ होता है वो भी इनके अंदर डाल के तो फ्रिज में रख सकते हैं एक आ, मैंने बेकिंग पैन लिया है केक वग़ैरह कुछ भी आप इसमें बेक कर सकते हैं दूसरा मेरा थोड़ा ख़राब था और ये कटिंग बोर्ड लिए हैं सेट है जो पहला था मेरा बड़ा वाला वाइट वो ख़राब हो गया था और जो छोटा था उस पर कटिंग करना ज़रा मुश्किल होता था तो इसलिए ये मैंने टू का लिया है बड़ा और एक साथ छोटा है इसके और ये एक बाउल है मैं सर्विंग बाउल के आ, के तौर पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं ये कर्टन लाइन रेक मैंने लिया मैं घर में रखती हूँ एक्स्ट्रा अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो यूज़ कर लेती हूँ और ये वुडन सेट है किचन का स्पून कुकिंग करने के लिए या मिक्सिंग के लिए टेन का था ये मैंने ले लिया ये कॉटन बॉल्स हैं और कुछ मैंने ड्राई हर्ब्स लिए हैं और ये एक सर्विंग ट्रे है मेड बाय डिज़ाइन की है ये ये मुझे अच्छी लगी मुझे वाइट जो चीज़ें वो ज़्यादा पसंद हैं तो मेरे पास काफ़ी सारी वाइट आपको नज़र आएंगी चीज़ें और ये स्वेफर के वेट वाइप्स हैं फ्लोर क्लीनअप के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ ये मेरे फिनिश हुए हुए थे ड्राई थे मेरे पास और ये वेट वाले मैं लेके आई हूँ बस यही चीज़ें थी आई होप के आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग